हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दैट्स काला गर्ल। मैं हूं कांक्षा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोनर्स के बारे में, एंड दैट टू बी समर एप्रोप्रिएट टोनर्स फॉर ऑयली एक्ने प्रोन सेंसिटिव स्किन। क्योंकि पर्सनली मेरी स्किन ऑयली एक्ने प्रोन और सेंसिटिव है, तो रिसेंट में मैंने जितने भी टोनर्स यूज किए हैं उन्हें आज मैंने लिफ्ट कर दिया है बेस्ट टू वर्स्ट की कैटेगरी में। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी अगर आप सेम स्किन टाइप वाली कैटेगरी में लाई करते हैं, और अदरवाइज ऑल्सो आपको इससे थोड़ी सी हिंट मिलेगी कि अगर आप ऑयली एक्ने प्रोन स्किन वाली कैटेगरी में नहीं भी लाई करते तो इनमें से कौन सा टोनर आपके लिए सूटेबल होने वाला है जो मे बी ऑयली स्किन के लिए इतना ज्यादा अप्रोप्रिएट ना हो। तो ये वीडियो मैं स्टार्ट करना चाहूंगी मेरे मोस्ट फेवरेट टोनर से, जो है इनिस्फ्री का ग्रीन टी फ्रेश टोनर, जो कि आपको इस टाइप की पैकेजिंग में मिलता है। यहाँ पे मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इसे मैंने कितना यूज किया है और कितना टाइम हो गया है मुझे इस पर्टिकुलर टोनर को यूज करते हुए। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट टोनर है, क्योंकि इसका एक स्पेशल रीजन ये है कि अनलाइक अदर टोनर्स, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा टोनर्स में जो पहला इंग्रेडिएंट होता है वो जनरली एक्वा होता है या वाटर होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर टोनर में जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है ग्रीन टी लीफ एक्सट्रैक्ट। तो इसका मतलब ये है कि आप जिस चीज के लिए पैसा पे कर रहे हैं वही आपको मिल रहा है, और ग्रीन टी हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा एक वर्सेटाइल इंग्रेडिएंट की तरह काम करती है। सबसे पहली चीज तो यह है कि एंटीऑक्सीडेंट रिच होती है, और ये जो पर्टिकुलर टोनर है ये सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है इंक्लूडिंग सेंसिटिव स्किन। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाना चाहूंगी। ये एकदम वॉटर लाइक कंसिस्टेंसी में आपको मिलता है। लेट मी जस्ट शो यू, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं पर्सनली इसे अपने पाम पे लेके डायरेक्टली अपने फेस पर डैप डैप करके लगाना ज्यादा प्रिफर करती हूँ। वैसे आप इसे कॉटन पैड की हेल्प से यूज कर सकते हैं। इवन ये जो टोनर है ये काफी ज्यादा वर्सेटाइल है, क्योंकि मैं इसे मेकअप रिमूवर की तरह भी यूज करती हूँ। जैसे मैं अभी यूट्यूब की वीडियो के लिए मैंने अपनी आईज पे थोड़ा सा आई शेडो लगाया है, तो इस आई शेडो को रिमूव करने के लिए मैं किसी भी टाइप का मसलर वाटर या फिर मेकअप रिमूविंग बाम यूज नहीं करती। मैं इसी टोनर से कॉटन पैड पे इसे पोर करके अपने फेस पे हल्का सा लगा लेती हूँ और मेरा काम हो जाता है। ये जो टोनर है इसकी स्पेशल बात ये है कि ये आपकी स्किन में ऑयल और सीबम को रेगुलेट करने में आपकी हेल्प करता है। तो इट इज लाइक कि जब आप इसे यूज कर रहे होंगे तो हो सकता है आपको इतना ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट या इतना ड्रास्टिक चेंज ना दिखाई दे, लेकिन एक बार जब आप इसे स्विच करेंगे दूसरे टोनर से या फिर एक दो दिन के लिए, तो आपको पता चलेगा कि ये टोनर कितना ज्यादा अमेजिंग है। तो इसीलिए समर के मौसम में मोस्ट अप्रोप्रिएट टोनर है इनिस्फ्री का ग्रीन टी फ्रेश टोनर। इसके 200 ml की क्वांटिटी आपको Amazon पे आराम से 1000 रुपीज में मिल जाएगी, और 200 जो क्वांटिटी होती है ml क्वांटिटी वो काफी ज्यादा होती है आपके काफी लंबे टाइम के लिए लास्ट करने के लिए। ये बहुत ही ज्यादा सूदिंग और कामिंग इफेक्ट भी आपको देता है ऑयल और सीबम को कंट्रोल करने के साथ साथ। तो बहुत ही अमेजिंग सा एक प्रोडक्ट है। मुझे कहना चाहिए कि अगर आपने अभी तक इनिस्फ्री का ये टोनर ट्राई नहीं किया है तो इन समर के मौसम में एक आप इसे चांस जरूर से दें। सेकेंड नंबर पे मैं रखना चाहूंगी कील्स के कैलेंडुला टोनर को, जो कि आपको इस टाइप की पैकेजिंग में मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम ड्रॉपर टाइप की इसकी भी पैकेजिंग है। मुझे टोनर पर्सनली अच्छा लगते हैं जो आप स्प्रे बॉटल में मिलते हैं, बट समहाउ मेरे दोनों ही टोनर, मोस्टली टोनर मुझे कहना चाहिए, ड्रॉपर टाइप की पैकेजिंग में। इसे भी मैं सेम तरीके से यूज करती हूँ, ऐसे पोर करके अपनी पाम पर डायरेक्टली अपने फेस पर डैप डैप करके मैं अप्लाई कर लेती हूँ। मैं टोनर थोड़ा सा ज्यादा अप्लाई करना प्रिफर करती हूँ। टोनर मुझे यही कहना चाहिए बहुत ज्यादा एसेंशियल स्टेप नहीं है, लेकिन अगर आप टोनर अपने स्किन केयर रूटीन में ऐड करते हैं तो इससे आपको एडिशनल फायदे जरूर से दिखाई देंगे, स्पेशली अगर आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है या फिर आपकी स्किन जो है वो डिहाइड्रेटेड है। तो ये जो टोनर है इसकी खास बात ये है कि इसमें आपको कैलेंडुला फ्लावर जो होता है उसके पेटल्स इसमें लाइव मिल रहे हैं। यहाँ पे शायद आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। लेट मी जस्ट शो यू। ये मेरा पहला टोनर था जो मैंने कोरियन स्किन केयर का ट्राई किया था, इसीलिए जब मैंने इस टोनर को लिया था आई वाज जस्ट ऑब्सेस्ड अबाउट दिस। ये एक बहुत ही प्यारा सा टोनर है और अपना काम ये बहुत अच्छे से करता है। 125 ml की क्वांटिटी आपको 600 प्लस रुपीस में मिल जाती है, तो मुझे कहना चाहिए बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है, और आई गेस आपको इसकी छोटी बॉटल भी मिल सकती है Amazon पे। मैं कोशिश करूंगी सभी प्रोडक्ट्स का बाइंग लिंक नीचे देने की, छोटा वाला पैक का भी और बड़े वाले पैक का भी। ये जो टोनर है इसकी जो कंपोजिशन है वो एंटीऑक्सीडेंट रिच है, और लेकिन इसमें जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो एक्वा ही है।
फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट है, कोई से आपको इश्यू नहीं फेस करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से सूदिंग और कामिंग इफेक्ट आपकी स्किन को देता है, और स्पेशली अगर आपको स्किन में रेडनेस वगैरह की प्रॉब्लम है तो आपको ये टोनर जरूर से ट्राई करना चाहिए। थर्ड नंबर पे मैं रखना चाहूंगी नबसिन का नंबर 3 सुपर ग्लोइंग एसेंस टोनर का। ये जो टोनर है ये काफी ज्यादा एक वर्सेटाइल टोनर है, क्योंकि ये आपके लिए सीरम की तरह भी काम करता है, टोनर की तरह भी काम करता है और एसेंस की तरह भी काम करता है। एक मिनट, इसकी आई गेस मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाना भूल गई। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ऑलमोस्ट वाटर लाइक ही है, जैसे आपको इनिस्फ्री वाले की कंसिस्टेंसी मिलती है। इसे भी आपको वैसे ही लगाना है, आप चाहें तो कॉटन पैड पे लगा सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्टली अपने फेस पे लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगी इस टोनर की। इस टोनर में आपको बहुत सारे इंग्रेडिएंट मिल रहे हैं, इसे मैंने थर्ड नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे इंग्रेडिएंट मिल रहे हैं, और दैट टू बी फर्मेंटेड इंग्रेडिएंट। तो फर्मेंटेड इंग्रेडिएंट के साथ क्या होता है कि कुछ लोगों को फर्मेंटेड इंग्रेडिएंट सूट नहीं करते। तो मैं भी जब मैंने इस प्रोडक्ट को लिया था, मुझे ये रिसीव हुआ था, मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल थी कि मुझे इसे यूज करना चाहिए या नहीं, क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव है और कभी भी मैं इधर उधर कर लेती हूँ। अगर कोई भी खराब टोनर स्पेशली अगर मैं अपनी स्किन पे लगा लेती हूँ तो मुझे इमीडिएटली उससे ब्रेकआउट की प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि टोनर सबसे पहला स्टेप होता है आपकी स्किन केयर रूटीन का। बट लकीली ये टोनर मुझे बहुत अच्छे से सूट कर गया, और मुझे कहना चाहिए ये जो टोनर है वो ट्रू टू इट्स नेम है। करीब 3 से 4 वीडियो में ऑलरेडी मैं इस टोनर के बारे में आपसे बात कर चुकी हूँ। ये जो टोनर है अगेन आपको ड्रॉपर टाइप की पैकेजिंग में ही मिलता है, इसमें आपको छोटा वाला पैक और बड़ा वाला पैक दोनों मिल जाते हैं। लेकिन इसकी जो कंसिस्टेंसी है, लेट मी जस्ट शो यू, ये ऑलमोस्ट वाटर लाइक नहीं है बट उससे थोड़ी सी थिक है, जेल काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी में आपको मिलता है। इसीलिए मैंने आपको बोला ये सीरम एसेंस और टोनर तीनों का काम करेगा। अगर आप इसे 2 बार लगा लेंगे तो आपको सीरम लगाने की जरूरत नहीं है, और अगर आप उससे भी ज्यादा लगाएंगे तो ये आपकी स्किन को थोड़ा हाइड्रेटिंग इफेक्ट भी देता है। कितनी बार समर के मौसम में मैं अपना विटामिन सी जो सीरम है सुबह सुबह वो स्किप कर देती हूँ, और सिर्फ यही वाला जो टोनर है उसे मैं 2 बार लेयर कर लेती हूँ, उससे मेरा काम हो जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये ट्रूली एक ग्लोइंग टोनर है। अगर आपको ये टोनर सूट करता है, एक बार आप इसे ट्राई करके देखिएगा, तो आपको विद इन 3 और 4 मंथ एक अलग से इम्प्रूवमेंट और एक ब्राइटनिंग इफेक्ट अपने चेहरे में देखने के लिए मिलाएगा, क्योंकि ये मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है। बहुत जल्दी इस प्रोडक्ट का सेपरेट रिव्यू आपके साथ मैं शेयर करूंगी। यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि इसे मैंने काफी यूज किया, पिछले 3 महीने से इसे मैं यूज कर रही हूँ। इस टोनर की अच्छी बात यह है कि ये लास्ट बहुत लंबे टाइम के लिए करता है, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी ही आपके पूरे फेस को कवर करने के लिए इनफ हो जाती है। मैं पर्सनली पहले अपना इनिस्फ्री वाला टोनर अप्लाई करती हूँ और उसके बाद में ये एसेंस अप्लाई करती हूँ। लेकिन इस टोनर में एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें फ्रेग्रेंस यूज की गई है, तो अगर आप फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट कम्प्लीटली अवॉइड करते हैं तो फिर ये टोनर आपके लिए नहीं है। नेक्स्ट जो 4th नंबर पे मैं टोनर रखना चाहूंगी वो है प्लम का नासेनामाइड राइस वाटर टोनर। इसे कम से कम भी मैंने 2.5 से 3 साल यूज किया होगा। जो लोग भी मुझे थोड़ा सा पहले से फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि इसे मैं करीब 2022 से यूज कर रही हूँ, जब ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था। इनका इसी रेंज का सीरम जो है वो मेरे लिए, उसने मेरे लिए काम नहीं किया था, उससे मुझे ब्रेकआउट की प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन ये 3% नासेनामाइड टोनर है, ये अगेन बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल टोनर है, और इसके साथ साथ ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल भी है। अगर आप के ब्यूटी वाले टोनर्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो हमारी इंडियन मार्केट में ये बहुत ही अच्छा आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि इसकी अच्छी बात ये भी है कि इसमें आपको 3% नासेनामाइड मिल रहा है। तो अगर आपको नासेनामाइड ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में सूट नहीं करता, मेरी तरह बहुत कम ही ब्रांड के नासेनामाइड सीरम है 10% वाले जो मुझे मेरी स्किन को सूट करते हैं, तो स्पेशली मैं बात कर रही हूँ एक्ने प्रोन और सेंसिटिव स्किन के लिए, तो ये आपके पास बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। सबसे बड़ी इसकी बात यह है कि ये वाकई में ही ओपन पोर्स की अपीयरेंस को मिनिमाइज करने में आपकी हेल्प करता है, और नासेनामाइड जैसे कि आप सभी को पता है एक्ने के मार्क्स वगैरह को भी ट्रीट करने में आपकी हेल्प करता है, आपको इवन स्किन टोन देने में हेल्प करता है। और उसके साथ साथ अगर आपको आपके जो बैरियर्स हैं, स्किन बैरियर्स हैं, वो अगर डैमेज हो गए हैं तो नासेनामाइड उसमें उन्हें रिपेयर करने में भी आपकी हेल्प करता है। अगेन ये भी आपको ड्रॉपर टाइप की पैकेजिंग में मिलता है, फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट है, बहुत लाइट वाटर लाइक इसकी कंसिस्टेंसी है। इसे भी मैं डायरेक्टली अपने पाम पे पोर करके अपने फेस पर डैप डैप करके लगाना प्रेफर करती हूँ। एकदम लाइट वाटर है तो बहुत इजीली आपकी स्किन में ये एब्जॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट जो मेरे पास आपके लिए ऑप्शन है वो है आयुगा का चंदनम एंड रोज वाटर
फेस मिस्ट, ये टोनर कम मिस्ट है और ये आपको एक्चुअली पाम टाइप की पैकेजिंग में मिलता है और बहुत इजीली आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये मुझे कहना चाहिए आयुगा का वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। ये आई गेस मेरी थर्ड बॉटल है, अभी करंटली मैं इसे यूज नहीं कर रही क्योंकि अभी मैं अपने के ब्यूटी वाले जो टोनर्स हैं उन्हें ट्राई आउट कर रही हूँ। लेकिन अगेन अगर आप मुझे थोड़ा सा भी पहले से फॉलो करते होंगे मेरे इनिशियल डेज के टाइम पे जब मैं बॉम्बे में हुआ करती थी, आपको पता होगा कि ये जो टोनर है ये मैंने कितना यूज किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया जब से ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था तब से एक बॉटल इसकी मेरे पास हमेशा रहती थी और विवेक तो आज भी यही वाला टोनर यूज करता है। अगर आप कोई अफोर्डेबल रेंज में टोनर मिस्ट खोज रहे हैं तो ये आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। देन मेरे पास एक और टोनर मिस्ट ही है, वो है पिलग्रिम का स्क्वालेन टोनर मिस्ट। जितने भी प्रोडक्ट आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ मेरे पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से मैं उसे उन्हें उसी ऑर्डरिंग में रखना चाहूंगी, तो आयुगा के बाद मैं आपको ये वाला टोनर रेकमेंड करना चाहूंगी। ये अगेन काफी ज्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट है पिलग्रिम का और ये स्क्वालेन रेंज वाला है। इनकी एक दूसरी रेड वाइन वाली भी रेंज है लेकिन मुझे पर्सनली ये वाला ज्यादा अच्छा लगा। इसमें भी एक्वा ही बेस की तरह यूज किया गया है और जो इसमें स्क्वालेन है वो लास्ट इंग्रेडिएंट है। वैसे इसकी जो कंपोजिशन है वो एंटीऑक्सीडेंट रिच है, आप चेकआउट कर सकते हैं इसकी फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट। इसमें बहुत सारे फ्रूट्स के एक्सट्रैक्ट डाले गए हैं लेकिन उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मुझे लगता है लेस देन 1% ही होगी। तो जो क्योंकि जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है स्क्वालेन वो ही सबसे लास्ट में, और लास्ट में इसमें तीन तरह के ऑयल डाले गए हैं और इसमें कोई एडिड फ्रेग्रेंस नहीं है लेकिन वो ऑयल्स की वजह से ही इसमें फ्रेग्रेंस आती है। नेक्स्ट में मेरे पास ये तीन टोनर है जो मैं कहना चाहूंगी कि आप अगर इन्हें यूज करना या फिर लेना अवॉइड करें तो अच्छा होगा। तो ये है डॉट एंड क्रीकी का वाटरमेलन सुपर ग्लो पोर टाइटनिंग टोनर। इसे मैंने कई बार यूज करने की कोशिश की है बट जितनी बार भी मैंने इसे यूज किया है मैंने ये ऑब्जर्व किया कि एक तो ये बहुत ज्यादा स्टिकी है, इसके साथ साथ इसमें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस भी है और इसमें जो कलर है वो भी बहुत ज्यादा है। जब मैं इसे अपने कॉटन पैड पे लगाती हूँ तो वो एकदम पिंक हो जाता है और इसके साथ साथ मैंने ऑब्जर्व किया है तो ये बहुत ज्यादा स्टिकी है और इसके साथ साथ मैंने इसे ब्रेकआउट की भी प्रॉब्लम फेस की है। मैं ये नहीं कहूंगी कि जब भी मैंने इसे अप्लाई किया तभी मुझे ब्रेकआउट आ गए क्योंकि मैंने इसे बीच बीच में कई बार सोचा यूज करने की बट ये मुझे एकदम पसंद नहीं आया। तो अगर आप इसे अवॉइड करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और इससे और भी ज्यादा खराब है ये डर्माफ्लिक का टोनर। इस टोनर के बारे में या इस ब्रांड के बारे में मैं जानती नहीं थी, मैंने अमेजोन पे देखा कि काफी अच्छा सा पैक है, 149 रुपीस में आपको 200 या 150 ml क्वांटिटी मिल रही थी। यस, और ये बहुत अच्छे अच्छे क्लेम भी कर रहा है, नाम भी इसका है डर्माफ्लिक, तो मुझे लगा डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होगा और डर्मेटोलॉजिस्ट ने ही इसे बनाया होगा और नई ब्रांड है इसीलिए इसका पैसा कम है। बट गाइज ये एक प्रोडक्ट है जो आप कम्प्लीटली अमेजोन पे इग्नोर कर सकते हैं, आपके 149 रुपीज भी कम्प्लीट वेस्ट हो जाएंगे। एक इसकी बात यह है कि ये अगेन स्टिकी है, जब आप इसे अपने हाथों में पोर करते हैं तो ये झाग बना देता है, बहुत ज्यादा फोगी है, बहुत ज्यादा स्टिकी है, बहुत ही स्ट्रांग इसमें फ्रेग्रेंस डाली गई है और बहुत उतना ही स्ट्रांग इसमें कलर है। जब मैं इसे पहली बार लगा रही थी तो ये मेरी व्हाइट कलर की बेडशीट पे गिर गया था, वो बेडशीट उस जगह से स्काई ब्लू कलर की हो गई, तो इतना स्ट्रांग इसमें कलर और फ्रेग्रेंस दोनों डाले गए हैं। तो इसे आप कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं लेना, इसके प्राइस और इसकी कंपोजिशन पे ना जाएं। देन है ये लेनेज ब्रांड का क्रीम स्किन सेरेमाइड पेप्टाइड टोनर। ये जो मिल्की टोनर है इससे मुझे काफी ज्यादा उम्मीद थी लेकिन ऑयली स्किन के लिए समर में ये एक आपके पास अच्छा ऑप्शन नहीं है। आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं विंटर के मौसम में क्योंकि ये जो टोनर है ये टोनर कम मॉइस्चराइजर है, तो जब आप इसकी एक लेयर भी लगाते हैं तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली और मुझे कहना चाहिए बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग हो जाती है। तो समर के मौसम में ऑयली स्किन के लिए ये बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि मैंने इसे कई बार यूज किया, आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे थोड़ा सा कम हो गया है, तो लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगा। लेट मी जस्ट शो यू, ये देखिए, तो आप शायद आप इसे देख पा रहे होंगे कि मैंने इसे इतना यूज किया है, तो मैंने इसे रात में भी यूज किया, मैंने इसे दिन में भी यूज किया। दिन में तो आप इसे बिल्कुल नहीं यूज कर सकते, हाँ रात में जब मैंने इसे यूज किया तब भी मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, थोड़ा सा मुझे ग्रीसी और हैवी लगा समर के मौसम के लिए। तो अगेन ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, इसकी कंपोजिशन बहुत अच्छी है, किसी भी टाइप का हार्मफुल केमिकल नहीं है, फ्रेग्रेंस फ्री है, लेकिन ये ड्राई
नॉर्मल स्किन वाले लोग आराम से यूज कर सकते हैं, बट ऑयली स्किन के लिए ये समर के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। तो यही थी मेरी आज की लिस्ट। तो अगेन मैं इस वीडियो को कंपाइल करना चाहूंगी कि मेरा मोस्ट फेवरेट टोनर जो है वो है इनिसफ्री का ग्रीन टी फ्रेश टोनर। देन जो दो के ब्यूटी वाले प्रोडक्ट हैं, नब्जिन वाला एंड कैलेंडुला वाला हील्स का, ये भी मुझे बहुत पसंद है, इन्हें भी मैं बहुत लंबे टाइम से यूज कर रही हूँ। लेकिन कैलेंडुला वाले में मैंने आपको बताया कि उसमें बेस जो है वो एक्वा है, तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा कि अगर मैं के ब्यूटी के वो टोनर यूज करूँ जिसमें जो बेस है वो मेन इंग्रेडिएंट हो। एंड देन मैंने आपको तीन इंडियन मार्केट में जो बहुत अच्छे टोनर हैं, और ये तीन टोनर हैं जो कम्प्लीटली आप अवॉइड कर सकते हैं। ये दोनों टोनर तो कम्प्लीट आप अवॉइड करें, ये वाला टोनर आप विंटर्स में यूज कर सकते हैं, और नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाले लोग इसे समर में भी बहुत आराम से यूज कर सकते हैं। अगर आप इसे दो बार लेयर करेंगे तो आपको मॉइस्चराइजर लगाने की आई गेस जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने इन प्रोडक्ट्स को यूज किया हो तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर से शेयर कीजिएगा, उसे बहुत सारे लोगों की बहुत हेल्प होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हैं, मैं इसी टाइप के ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करती हूँ। सो याद आज साल पर टूडेज वीडियो, सी यू, बाय बाय।